मयापुरी न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं छवि। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, हम आपसे पूछेंगे एक सवाल जिसका जवाब इसी बुलेटिन में होगा। आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारा आज का सवाल है, किस बॉलीवुड स्टार को किडनैप करना चाहती है परिणीति चोपड़ा। फिल्म जजमेंटल है क्या की स्क्रीनिंग में पहुंचा कंगना का परिवार, नहीं दिखे एकता और राजकुमार। कंगना रनौत ने फिल्म जजमेंटल है क्या की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी। स्क्रीनिंग में कंगना रनौत का परिवार पहुंचा और बॉलीवुड के कुछ चुनिंदा सेलेब्स भी नजर आए, लेकिन चर्चा इस बात की है कि स्पेशल स्क्रीनिंग से फिल्म की प्रोड्यूसर एकता कपूर और लीड एक्टर राजकुमार राव ही गायब दिखे। कंगना की फिल्म को देखने के लिए उनकी माँ और बहन रंगोली चंदेल प्रमुखता से नजर आईं। इस मौके पर कंगना अपने परिवार के साथ बेहद खुश नजर आईं। खबरों के मुताबिक कंगना ने मुंबई में खास स्क्रीनिंग रखी थी। इस स्क्रीनिंग में फिल्म के डायरेक्टर प्रकाश कोविलामुडी और बॉलीवुड के कई एक्टर और डायरेक्टर पहुंचे। बॉलीवुड सेलेब्स में आनंदेल राय, मधुर भंडारकर, अश्विनी अय्यर तिवारी, कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा दिखे। फिल्म जजमेंटल है क्या 26 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। मिस्ट्री गर्ल के साथ डांस करते नजर आए शाहरुख खान के बेटे आर्यन। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की वाइफ गौरी और अपने तीनों बच्चों के साथ मालदीव में छुट्टियां मनाकर वापस लौट आए हैं। खान फैमिली की हॉलिडे फोटोज के बाद अब शाहरुख के बेटे आर्यन की कुछ पर्सनल पिक्चर्स वायरल हो रही हैं। आर्यन इन फोटोज में एक मिस्ट्री गर्ल के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि पिछले दिनों एक खबर आई थी कि किंग खान के लाडले आर्यन खान इन दिनों एक विदेशी कन्या को डेट कर रहे हैं। सुहाना खान के फैन पेज पर शेयर की गई इन फोटोज में आर्यन अपनी दोस्त के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं। आर्यन जहां ऑल ओवर ब्लैक में दिख रहे हैं, वहीं उनकी दोस्त रेड और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में नजर आ रही हैं। वायरल हुई तस्वीरें इन फोटोज को देखकर कयास लगाया जा रहा है कि ये आर्यन की गर्लफ्रेंड है। 2 महीने बाद ऐश्वर्या राय ने इंस्टाग्राम पर की वापसी। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने पिछले साल मई में इंस्टाग्राम को ज्वाइन किया और कुछ समय के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय भी रही। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने परिवार वालों के साथ मनाए गए अपनी बेटी के जन्मदिन की तस्वीरें भी अपने फैंस के साथ शेयर की, लेकिन पिछले 2 महीने से एक्ट्रेस इंस्टाग्राम से नदारद रही। इंस्टा पर उनके 70 लाख से अधिक फॉलोअर हैं। ऐश्वर्या राय ने मंगलवार को इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालकर वापसी की, जिससे उनके बहुत से फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ऐश्वर्या ने इमेज के कैप्शन में लिखा कि अत्ता बॉयज, ये पिंक पैंथर्स, गॉड ब्लेस। ऐश ने अपने पति अभिषेक बच्चन की तस्वीरें अपलोड की थी, जो उनमें उनकी कबड्डी टीम जयपुर पिंक पैंथर्स को चीयर करते हुए नजर आ रहे थे। ओप्स मूवमेंट की शिकार होते होते बची शिल्पा शेट्टी। शिल्पा शेट्टी आजकल परिवार के साथ यूरोप में छुट्टियां मना रही हैं। छुट्टियों के दौरान शिल्पा एक क्रूज पर पहुंची, जिसका वीडियो उन्होंने शेयर किया है। वीडियो में शिल्पा क्रूज पर हवा का मजा ले रही होती हैं और पोज देती हैं, तभी उनकी ड्रेस हवा में उड़ने लग जाती है। शिल्पा किसी तरह अपनी ड्रेस को तुरंत संभाल लेती हैं। वीडियो के साथ शिल्पा ने कैप्शन में लिखा, ये मेरा मर्लिन मुनरो मोमेंट है, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, आपको पता चलेगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा। शिल्पा ने पति राज कुंद्रा को किस करते हुए एक वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा लंदन की सड़कों पर किस हुए नजर आए हैं। इसके अलावा भी शिल्पा ने एक फोटो शेयर की थी, इसमें शिल्पा अपने पति और पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के साथ नजर आई थी। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री से सैफ अली खान की बेटी सारा का है खास कनेक्शन। ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन को नया प्रधानमंत्री चुना गया है। बोरिस जॉनसन का भारत से गहरा नाता है। भारत के मशहूर लेखक पत्रकार खुशवंत सिंह से उनकी रिश्तेदारी भी है। यही नहीं, ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के रिश्ते के तार अभिनेता सैफ अली खान, उनकी पत्नी अमृता सिंह और बेटी सारा खान से भी जुड़ता है। लेखक पत्रकार खुशवंत सिंह के छोटे भाई दलजीत सिंह की शादी एक सिख महिला दीप से हुई थी। इस शादी से दीप को 2 बेटियां हुई। दलजीत सिंह और दीप की ही बेटी मरीना ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री की पत्नी बनी। दोनों पिछले साल ही अलग हुए हैं। इस रिश्ते के लिहाज से खुशवंत सिंह व उनके भाई बोरिस जॉनसन के ससुर लगते हैं। इतना ही नहीं, बोरिस जॉनसन की सास दीप की दूसरी बहन की शादी भी खुशवंत सिंह के दूसरे भाई भगवंत सिंह से हुई थी। खुशवंत सिंह के रिश्ते के चलते ही बोरिस जॉनसन का रिश्ता बॉलीवुड से भी जुड़ता है। असल में सैफ अली खान की पहली पत्नी अमृता सिंह खुशवंत सिंह के परिवार का हिस्सा है, वो खुशवंत सिंह की भांजी लगती है। इस नाते बोरिस जॉनसन से अमृता सिंह का रिश्ता भी मधुर रहा है। इतना ही नहीं, अमृता और सैफ की बेटी सारा अली खान का भी रिश्ता बोरिस से इसी नाते जुड़ता है। भले मरीना से अलगाव के बाद बोरिस जॉनसन का इस परिवार से रिश्ता टूटा हो, पर बीते 25 सालों से वो उस परिवार के दामाद बने रहे, जिसका हिस्सा अमृता सिंह सारा अली खान भी हैं। सैफ अली खान को किडनैप करना चाहती है परिणीति चोपड़ा।
परिणीति चोपड़ा और सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर फिल्म जबरिया जोड़ी 2 अगस्त को रिलीज होने वाली है। मूवी के लीड एक्टर्स ने कपिल शर्मा शो में फिल्म का प्रमोशन किया। शो में कपिल शर्मा ने मजाक करते हुए परिणीति से पूछा, अगर मौका मिले तो वो किस बॉलीवुड स्टार संग अपनी जबरिया जोड़ी बनाना चाहेंगी। जवाब में परिणीति चोपड़ा ने कहा, अगर मुझे मौका मिले तो मैं यकीनन ही सैफ अली खान को किडनैप करना चाहूंगी। मैं उनके साथ अपनी जबरिया जोड़ी बनाना पसंद करूंगी। परिणीति ने कहा, मैंने उन्हें हमेशा से बेहद पसंद किया है। मैंने करीना को ये भी बताया है। करीना ये बात जानकर सहज हैं कि मैं सैफ को पसंद करती हूँ। निक जोनस की शर्टलेस तस्वीर हुई वायरल। प्रियंका चोपड़ा अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए मियामी में थी। मियामी में फैमिली संग प्रियंका चोपड़ा की एक स्मोक के दौरान की एक फोटो सबसे ज्यादा चर्चा में रही। लेकिन अब प्रियंका के बाद उनके पति सिंगर निक जोनस की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। निक जोनस की कई शर्टलेस तस्वीरें सोशल मीडिया पर फैन पेज पर छाई हुई हैं। इन तस्वीरों में निक जोनस की फिजिक का जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। तस्वीरों में निक जोनस यार्ड स्विमर पहने खड़े हैं, उनके हाथ में एक शावर है। इस तस्वीर में निक जोनस की बॉडी का सोशल मीडिया पर मजाक बन रहा है। दरअसल आज के दौर में जहां स्टार सिक्स पैक एप्स रखते हैं, वहीं निक जोनस की फैटी बॉडी फैंस के लिए सरप्राइज से कम नहीं है। कई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर निक जोनस को थिक जोनस का नाम दिया है। बिना पूरी तले भी तो बता सकते थे मंगलयान कैसे भेजे। औरतें चाहे घर की चार दीवारी से उठकर कॉरपोरेट दफ्तर पहुंच जाएं, चाहे धरती से उठकर मंगल ग्रह पर, जाने से पहले और लौटने के बाद पूड़ियां तलने से उनकी जान नहीं छूटेगी। ये अन्नपूर्णा औरत के सिस्टम में रसोई ऐसे फिट हो गई है जैसे कंप्यूटर से मदरबोर्ड। ऐसा न होता तो 5 महिला वैज्ञानिकों की टीम के साथ मंगल ग्रह जाने की तैयारी कर रहे अक्षय कुमार पूड़ी तलने से बेहतर कोई उदाहरण दे सकते थे। ये बताने के लिए ये यान मंगल पर जाएगा। हम बात कर रहे हैं फिल्म मिशन मंगल के ट्रेलर की। ट्रेलर में औरतों के मसीहा बने अक्षय कुमार पूरी तलने की डिटेल बताते हुए मंगल पर जाने की टेक्निक समझा रहे हैं। पहले तो हमारे यहाँ ऐसी फिल्में बनती नहीं जिसमें औरतों के पास प्रेमिका होने, डांस करने, अग्नि के साथ फेरे लेने और मोहब्बत में जान देने के अलावा कोई और काम हो। ये रेयर टाइप का मौका है कि इस फिल्म में औरतें इसरो की वैज्ञानिक बनी हुई हैं। एक तरफ 22 जुलाई को सफलतापूर्वक लॉन्च हुए चंद्रयान 2 मिशन की कमान 2 महिला वैज्ञानिकों ऋतु करिधास श्रीवास्तव और वनिता मुथैया ने संभाली थी और दूसरी फिल्म में पहली बार दिख रही महिला वैज्ञानिकों का प्रोजेक्शन इतनी खराब रोशनी में किया गया है। फिल्म के पोस्टर और ट्रेलर में जिस तरह एक पुरुष वैज्ञानिक केंद्र में है और बाकी महिला वैज्ञानिक उसके गिर्द सर सर करती घूम रही हैं, वो काफी इरिटेटिंग है। उम्मीद है आप हमारी बात समझ गए होंगे क्योंकि प्रॉब्लम पूर्णिया तलने से नहीं, प्रॉब्लम स्टीरियोटाइपिंग से है और इस बात से कि प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आती। हम आपको फिर से बता दें हमारा आज का सवाल, किस बॉलीवुड स्टार को किडनैप करना चाहती है परिणीति चोपड़ा। आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। मायापुरी न्यूज़ में इतना ही, कुछ देर में फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की तमाम अपडेट्स के साथ। देखते रहिए मायापुरी कट।